Tam şu kim? Tekin neyse ki. लास्ट इनिंग में एक आदमी अभी यहाँ पे पूरा 12 गेंद का बोल रहा है। समझ में आया कि इसलिए मैं हिंदी में बात करने की कोशिश करता हूं। हमारा बेसिकली आदरणीय शरद पवार साहब जब फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, तब हमारा ये फूड पार्क सैंक्शन हुआ था और उसके बाद आपके कार्यकाल में ये कंप्लीट हो गया। मैम, ये फूड पार्क बहुत अनेक अलग अलग तरह से विशेष है। एक तो सातारा जिला, यहाँ पे महाबलेश्वर हिल स्टेशन है जहाँ पे आपने पूछा कि स्ट्रॉबेरी यहाँ बनती है क्या, तो स्ट्रॉबेरी यही बनती है। पूरे महाराष्ट्र में स्ट्रॉबेरी यहीं पे बनती है और बहुत अच्छे से बनती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की स्ट्रॉबेरी यहाँ बनती है। यहाँ पे मैम पोमोग्रेनेट भी बहुत अच्छा बनता है, मतलब लगभग सातारा और हमारा सोलापुर नदी का डिस्ट्रिक्ट है, बारामती है, वहां पे लगभग 50,000 एकड़ के ऊपर पोमोग्रेनेट बनता है। यहाँ सांगली जिला में बाजू में ग्रेप भी बहुत अच्छे बनते हैं। बाजू में हमारा कोंकण एरिया है, वो जस्ट 50 किलोमीटर की दूर पे कोंकण है, वहां पे जैकफ्रूट बनता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग नहीं होता है करके हम फार्मर वो गाय भैंस को खिलाते हैं, तो हम यहाँ पे जैकफ्रूट का पाउडर बना के एक्सपोर्ट करने का प्लान कर रहे हैं। तो ये लोकेशन वाइज यहाँ पे सब कुछ बनता है। यहाँ पे दूसरा है ओवरनाइट, इंडिया का जो 40% पॉपुलेशन है, जो रिच पॉपुलेशन है, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, मुंबई, थाने से लेके चेन्नई तक हम ओवरनाइट जा सकते हैं। ये हाईवे से जस्ट 2 किलोमीटर दूर है, तो लोकेशन वाइज रॉ मटेरियल सप्लाई अबंडेंस है, लोकेशन वाइज ये अच्छा है। एक्सपोर्ट करना है किसी को तो जेएनपीटी जो हमारा पोर्ट है, देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, यहाँ से 5 घंटे की दूरी पे है, सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। दूसरा बीवीजी फैमिली, मैंने हाउसकीपिंग से बीवीजी का जर्नी चालू किया था, गाँव के लोगों को, मेरा गाँव यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है रहमतपुर, और देगांव भी मेरा गाँव है। यहाँ पे भी लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैं यहाँ पे शुक्रगुजार हूँ। जो देगा हमारे वर्षे के लोग हैं जिन्होंने मुझे, सुरेंद्र राजे ने रस्ते के लिए जगह दे दी, उदयन राजे ने भी काफी सपोर्ट किया। मैम ये लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है। बीवीजी फैमिली में लगभग 75,000 लोग काम करते हैं, उसमें से 20,000 लोग ये एरिया से है, सातारा, सांगली, कोल्हापुर से। तो हमने बीच में डाटा निकाला कि हमारे जो फैमिली है, बीवीजी फैमिली, उसमें कितनी एकड़ जमीन है, तो लगभग 3 लाख एकड़ जमीन हमारे बीवीजी परिवार में है, जिसमें से 1.5 लाख एकड़ फुल्ली इरिगेटेड है। उसके बाद हमारे पास एक टेक्नोलॉजी, हमने मैम पिछले 5 साल से मैं एग्रीकल्चर में काम कर रहा हूँ, मैं किसान का लड़का हूँ, तो मैंने सोचा कि किसान के लिए कुछ अलग काम करूंगा। साहब का सपना है, पवार साहब ने काफी काम किया, आदरणीय प्रधानमंत्री का विजन है कि फार्मर का इनकम 5 साल में दुगना होना चाहिए 2022 तक। मैम मैंने लास्ट ईयर 4,500 फार्मर को अडॉप्ट किया था, 4,500 अलग अलग जगह पर, विदर्भ में किए थे, महाराष्ट्र में किए थे, और एक सीजन में, एक कल्टिवेशन सीजन में 50% से 200% ग्रोथ हर्बल नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके हमने कराई है। हर्बल नैनो टेक्नोलॉजी विषय मुक्त खेती और कैंसर मुक्त भारत, मेरे दीप शुक्ला जी यहाँ पे आए हैं जिन्होंने उसका आविष्कार किया, उन्होंने 14 साल कनाडा में रिसर्च किया, उसके बाद इंडिया में रिसर्च किया और ग्लोबली अभी वो बीवीजी के साथ है। दूसरे मेरे एक मित्र है पाटिल करके, गाय भैंस का प्रॉब्लम इन्फर्टिलिटी का देश में सबसे ज्यादा है। सर हमने 1000 एनिमल कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में चुने जो इन्फर्टाइल है, 2-2 साल से फर्टिलिटी नहीं है, और सर उसमें से 82% ऊपर रिजल्ट आया 1500 रुपए में। मेरे एक फार्मर मित्र है, उन्होंने हमारे प्रोडक्ट लेके, वो अभी सर ऐसा कर रहा है कि वो इनफर्टाइल एनिमल खरीद रहे हैं सस्ते में और उसको फर्टाइल बना के बेच रहे हैं, तो हमारे प्रोडक्ट के पास 1000-1200 रुपए आ रही है और फर्टिलिटी आने के बाद वो एनिमल की कॉस्ट लगभग 30-40 हजार रुपए, 10,000-15,000 का एनिमल खरीदे और 40-50 रुपए बेच रहे हैं। तो एरिया बहुत तरह से बहुत अच्छा एरिया है, आपकी मिनिस्ट्री ने हमको काफी सपोर्ट किया। और यहाँ पे सर संपदा करके सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उसमें अभी 4 यूनिट सैंक्शन हो गए, मैडम ने अभी बोला और हरदीप जी भी है, उन्होंने बोला कि आप और यूनिट के लिए अप्लाई करिए। वहां पे सर 5 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है। मेरी दरख्वास्त है राज्य सरकार से जी कि फूड प्रोसेसिंग की थोड़ा सा इसके लिए भी आप थोड़ा सा हेल्प करें, ये जो फार्मर के लिए काम आएगा, क्योंकि
सर यहाँ पे जिंजर बनता है, गन्ने का फार्मर बहुत अच्छा है, जिंजर बनता है सर। पिछले 4 साल पहले जिंजर के फार्मर ने 1 एकड़ में 8 से 10 लाख रुपए कमाए। पिछले 3 साल में सर ये इतने गिर गए हैं कि फार्मर को निकालने का खर्चा भी इकोनॉमिकल वायबिलिटी नहीं आ रही है। तो हम यहाँ पे जिंजर से जिंजर ऑयल बना के बेचने का प्लान कर रहे हैं। हम यहाँ पे टर्मरिक बहुत अच्छी बनती है, तो टर्मरिक पे प्रोसेस करके बाहर बेचने का प्लान कर रहे हैं। सर 15 दिन पहले मैंने सर यहाँ पे फाइनर के रिसर्च डायरेक्टर है मकरंद जावड़ेकर, महाराष्ट्र के आदमी है, उनको यहाँ पे मैंने बुलाया था। जूली आसमोंगा, ये डॉक्टर रेड्डीज लैब के रिसर्च डायरेक्टर है, उनको भी यहाँ पे बुलाया था। पीरामल के रिसर्च डायरेक्टर है डॉक्टर अरुण बालासुब्रमण्यम, उनको बुलाया था। और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के पवन कुमार सिंह जी है, उनको यहाँ पे बुलाया था। और उनको बोला कि मेरे यहाँ पे क्या क्या बनता है और उसके लिए न्यूट्रास्यूटिकल में हम क्या काम कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में पूरा ये हो रहा है, पूरे विश्व में अब हम यहाँ पे बीमार गिरने के बाद दवाई खा रहे हैं, पूरे विश्व में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए ऊपर काम हो रहा है। तो वहां पे ये अब तक मेरीगोल्ड का जो फ्लावर है उससे लुटिन बनता है। सर मेरे एक फार्मर है, उन्होंने झेडू के अपना मेरीगोल्ड के फ्लावर में 1 एकड़ में 17 लाख रुपए कमाए, 17 लाख रुपए। ऐसे अलग अलग फार्मर ने काम किया, तो इस तरह से थोड़ा सा हटके काम करो। तो बीवी जी यहाँ फूड पार्क में हम आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग से आपको इनपुट दे देंगे फार्मर को। तो यहाँ पे हम एडवांटेज का है, जो भी उद्योजक यहाँ पे आना चाहता है उसको हम एश्योर्ड रॉ मटेरियल सप्लाई दे सकते हैं, उसको जो चाहिए वो रॉ मटेरियल हम एश्योर्ड दे सकते हैं। उसके बाद उसकी फैक्ट्री हम टाटा मोटर्स की फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, हम मर्सिडीज बेंज की फैक्ट्री चलाते हैं, हम हुंडई की फैक्ट्री चलाते हैं। तो यहाँ पे हम उनकी फैक्ट्री भी रन करने की हेल्प करेंगे, सिंगल विंडो ऑपरेशन से उसकी पूरी गवर्नमेंट की परमिशन का उसको हेल्प करेंगे। गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ग्रांट्स है, स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, उसके ऊपर हम उनको हेल्प करेंगे। तो सातारा फूड पार्क ये देश में पूरा हटके है, बाकी फूड पार्क खाली जगह दे रहे हैं। हम यहाँ पे रॉ मटेरियल से लेके फैक्ट्री चलाने से लेके और आपकी मिनिस्ट्री के थ्रू हम ग्लोबली जाना चाहते हैं। लास्ट 2-4 महीने पहले मैं आपकी मिनिस्ट्री के गट में कोरिया गया था, और कोरिया में सर सोयाबीन का प्रोटीन का बहुत डिमांड है। हम यहाँ पे सर सोयाबीन का ऑयल निकालते हैं और बाकी बची पेन जो है वो हमारी गाय भैंस को खिलाते हैं, उसमें प्रोटीन परसेंटेज इतना अच्छा है। इंडिया अकेला देश है जहाँ पे सोयाबीन के ऊपर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन खाली इंडिया में नहीं है, बाकी सब जगह जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो उसके जो प्रोटीन बनता है उसके लिए पूरे जापान में सोया टोफू बहुत ज्यादा से खाया जाता है प्रोटीन के लिए। तो जापान कोरिया से तो यहाँ पे हम सोयाबीन का प्रोसेसिंग करके तो उसका टोफू बना के वहाँ पे भेजने के लिए प्लान कर रहे हैं। अरविंद सिंह साहब से सर मेरी कल बात हुई, तो शरद पवार साहब के पास थे, बाद में वो वहाँ पे गए, जापान में थे मिनिस्ट्री में। ऐसे अलग अलग क्षेत्र में मैं यहाँ पे काम करने की कोशिश करता हूँ, कर रहा हूँ। इसके लिए आपका आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप सही में आपका विधानसभा का सत्र चल रहा है उसी में टाइम निकाल के आ गए। आदरणीय शरद पवार जी तो प्रेरणा स्रोत रहे, बता देते हैं, गाइडेंस भी रहे, तो आप सब लोग यहाँ पे आए, आप इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और आपका सबका धन्यवाद देता हूँ। और ये फूड पार्क में ये कमिटमेंट देता हूँ कि अगले साल 1 इंच जमीन खाली नहीं रहेगी, लगभग 5 से 6 हजार लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा। हमारे पाटिल जी ने बहुत अच्छा संशोधन किया है जो एनिमल के ऊपर किया है, दीप जी ने हर्बल नैनोटेक्नोलॉजी पर किया है। तो आप सबका मैं पुनः से एक तहे दिल से स्वागत करता हूँ और अपना आशीर्वाद चाहता हूँ, मेरे जो मित्र हैं इन सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। धन्यवाद।